हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मचमोर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ किचन टिप्स। छोटी मोटी टिप्स अगर इस तरह की हम फॉलो करें तो काम आसान हो जाते हैं और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल ट्राई प्लाई, कास्ट आयरन और नॉनस्टिक बर्तनों के साथ ढक्कन यानी लिड्स आते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करना भी एक टास्क हो जाता है, क्योंकि बर्तनों के ऊपर अगर इन्हें हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर वो बर्तन भी ज्यादा जगह लेंगे। इसलिए जो केवल ढक्कन है इन्हें आप एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक बास्केट यूज कर सकते हैं। बास्केट में भी आपके ढक्कन थोड़े बहुत यहाँ से वहाँ हो सकते हैं, लेकिन वो बास्केट के अंदर ही रहेंगे। थोड़े ज्यादा अगर लिड्स या ढक्कन आपके पास है तो वो हिलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से आप ढक्कनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बाकी बर्तनों को अलग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर आप पॉट लिड ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर केवल पॉट के ढक्कनों के लिए ही आते हैं। इस तरह के एक अच्छे ऑर्गेनाइजर का यूज करके भी आप अपने पॉट के ढक्कनों को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इसे असेंबल करना होगा। इसकी असेंबली बहुत ही आसान है और ये वन टाइम है। इस वाले ऑर्गेनाइजर की एक और खास बात है कि इसे एक्सपैंड किया जा सकता है, कोलैप्स किया जा सकता है। अगर ढक्कन चौड़ा है तो आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा पतला है तो इसे आप रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इस ऑर्गेनाइजर को यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टील के ढक्कन रख रहे हैं तो आप इसमें स्टील वाले जिनके ऊपर हैंडल होता है तो एक से ज्यादा भी आप एक स्लॉट में रख सकते हैं। इस तरह से आप बर्तनों के ढक्कन इसमें रख सकते हैं। अगर आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और आप ऊपर रखना चाहते हैं तो वहां तो रख ही सकते हैं, अदरवाइज किचन ट्रॉली में भी बहुत आसानी से आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक खास टिप, अगर आपकी किचन ट्रॉली स्टेनलेस स्टील की है जैसे कि हमारी है, तो इसमें नीचे की तरफ रॉड्स होंगे और रॉड्स के बीच में गैप होगी। तो इस तरह की चीजें रखने से पहले आप मैट रख ले। यहाँ पर जो मैंने मैट यूज की है ये फ्रिज वाली मैट है। मैट यूज करने की वजह से छोटी मोटी चीजें बीच में फंसती भी नहीं है और आप आराम से चीजें इसमें रख सकते हैं। किचन में कई तरह के कंटेनर्स होते हैं, स्टील के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ग्लास के होते हैं। तो घर के अगर दूसरे मेंबर्स भी यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि चीजें कौन सी है। वेल, ऐसे टाइम पर आप लेबल्स यूज कर सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी ये यूज किए हैं, आप में से काफी लोगों ने पूछा इसके बारे में। तो ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज किए थे, पूरा ये सेट है। मेरे पास इससे पहले का भी एक सेट है। इसके साथ आपको मिलती है पेंसिल। इस पेंसिल के बारे में भी काफी लोगों ने पूछा है। ये कोई खास अलग पेंसिल नहीं है, ये ग्लास मार्कर है जो कि आपको इन लेबल्स के अलावा नॉर्मल स्टेशनरी शॉप में अलग से भी मिल सकती है। आप बोल सकते हैं आपको ग्लास मार्कर चाहिए। ये स्टिकर्स काफी हैंडी होते हैं, ये वाटरप्रूफ होते हैं, इनके साथ आप बर्तन को धो सकते हैं। यूज के बाद अगर इनका जो लिखा हुआ हिस्सा है वो मिट जाए तो आप वापस से इस पर लिख सकते हैं, या फिर आपसे गलती हो जाए तो इरेजर से मिटाकर भी आप वापस से लिख सकते हैं। तो इस तरह के लेबल्स काफी अच्छे होते हैं, दिखने में तो सुंदर लगते ही है, साथ ही में पता चल जाता है कि अंदर चीज कौन सी है, स्पेशली अगर स्टील के डब्बे आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है ये गार्बेज बैग ऑर्गेनाइजर। तो जो डस्टबिन की बैग्स होती हैं, आप बायोडिग्रेडेबल ले सकते हैं, अच्छी वाली बैग्स यूज करें। पर उन्हें भी जब हम यूज करते हैं तो हर बार वो फाड़नी पड़ती है, क्योंकि वो एक रोल के फॉर्म में आती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आप अपने यूटिलिटी एरिया में इसे लगा सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर के लिए ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, इसे आप चिपका सकते हैं। इस तरह के चिपकाने वाले प्रोडक्ट्स मैंने काफी यूज किए हैं, जैसे मेरा हेयर ड्रायर ऑर्गेनाइजर, काफी अच्छे से ये जगह पर रहते हैं। बस दीवार जो है खुदरी नहीं होनी चाहिए, अगर टाइल वाला सरफेस है तो इनकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती है। तो जो गार्बेज बैग्स होती है इनके रोल्स कई बार खुल जाते हैं, ऐसे ही फिसल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसमें डिस्पेंसर में रखेंगे तो जस्ट आप अपने रोल को खींचिए और एक बैग कट कर लीजिए, बाकी का रोल अच्छे से अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से काफी आसानी से आप अपने गार्बेज बैग्स यूज कर सकते हैं। रबर बैंड्स एक ऐसी चीज है जो हमें बार बार किचन में या फिर घर में चाहिए होती है। इसी तरह की और भी चीजें हो सकती है, तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मसाले के डब्बे। वैसे तो ये मसाले के डब्बे हैं, ये मैग्नेटिक है इसलिए मैंने इन्हें लिया है।
अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये एवरेज है। मैं इन्हें मसालों के लिए शायद कभी यूज़ ना करूँ, पर छोटी मोटी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो इनमें स्टोर की जा सकती है। तो मुझे लगा कि जो रबर बैंड्स होते हैं कई बार हमें और सामान में मिल जाते हैं, उन्हें आप एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैग्नेटिक है, इसमें रबर बैंड्स रख के आप अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं, या फिर छोटी मोटी चीज़ें जैसे बटन्स, टूथपिक अगर आपको रखनी है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन सबको इकट्ठा करके आप इसमें रख सकते हैं और अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने न्यू रबर बैंड्स लिए हैं या फिर किसी सामान के साथ आ रहे हैं तो आप उन्हें इसमें रख सकते हैं, जब चाहिए तुरंत निकाल सकते हैं। इस तरह से फ्रिज पर चिपका कर रखें और जब चाहिए तब आप यूज कर लें। इससे आपके जो भी रबर बैंड्स हैं जगह पर होंगे और जब आपको चाहिए जरूरत होगी तब आपको मिल भी जाएंगे। अगली टिप है डिश वॉशिंग टिप। डिश वॉशिंग टिप है, डिश वॉशर की टिप नहीं है। तो जब भी हम घर में बर्तन धोते हैं तो चम्मच, करछी या फिर चलनी, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो ज़्यादा हम रख नहीं पाते, साइड में इतनी जगह नहीं होती, और अगर डायरेक्टली बर्तनों के रैक में इसे डाल देंगे तो जो जाली होती है इसमें या तो ये फंस जाते हैं या बड़े बड़े बर्तनों के बीच इतने नीचे चले जाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर निकालने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप ये चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इन चम्मच को, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को अलग से एक बास्केट में रखें। आप कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं। ये एक बास्केट काफ़ी अच्छी लगी, हम काफ़ी समय से ऐसी बास्केट यूज़ कर रहे हैं। एक तो इसका साइज़ कम ज़्यादा किया जा सकता है और इसे सिंक पर अटकाया जा सकता है। बर्तन धोने के साथ साथ ही जो कटलरी होती है, चम्मच, करछी, छोटे चम्मच, बड़े चम्मच, चलनी, ये सब आप इसमें रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें छोटी कटोरियाँ और सीटी, कुकर की सीटी भी बहुत जल्दी गुम हो जाती है, या फिर गैस्केट्स, ये सारी चीज़ें आप अलग से इस तरह की एक बास्केट में रख सकते हैं। तो आपकी बड़ी जो बास्केट है उसमें कोई चीज़ फंसेगी भी नहीं और आपको जब भी चाहिए तो छोटा सामान निकालने के लिए आपको पूरे बर्तन नहीं निकालने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।